तो हेलो एवरीवन, मैं हूं समर मलिक। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो है खुशी। जी हाँ, हैप्पी। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि खुशी क्या है। व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज नथिंग, इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आंखों से दिखता हुआ नजर आओ, ये बस एक हमारे दिमाग का मानसिकता है। जी हाँ गाइस, तो अगर आपके पास घर है, अगर आपके पास दोस्त यार है, अगर आपके पास गाड़ी, अगर आपके पास बंगला, अगर आपके पास पैसा है, उसके बाद भी अगर आप खुश नहीं हैं, देन रियली यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं कुछ 6 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो आपको खुश रहने में आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन, जिसकी वजह से आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके, और मेरे यूट्यूब फैमिली में आप भी एक मेम्बर बन जाए। तो जिसमें सबसे पहले है इग्नोर स्मॉल थिंग्स। जी हाँ दोस्तों, खुश रहने के सबसे पहले हमें ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना, जैसे कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे क्यों कहा, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों, अगर जब तक कि हम छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, तब तक हम खुश नहीं रह सकते हैं। जब तक हम छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, तब तक हम खुश नहीं रह सकते। सो जस्ट चिल ब्रो। अब दूसरा है लिव इन प्रेजेंट। जी हाँ, वर्तमान में जीना। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने पास के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, जैसे कि अगर मैं ऐसा किया होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, वगैरह वगैरह वगैरह। अपने फ्यूचर के बारे में ऐसा सोचते हैं कि अब कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, ये कैसे होगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, हम अपने पास्ट को बदल नहीं सकते हैं और अपने फ्यूचर को हम अभी ला नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, बेहतर तो यही है कि अपने प्रेजेंट में जिए, बट हाँ, अपने पास्ट में की हुई गलतियों को देख करके अपने फ्यूचर की अच्छी प्लानिंग हम जरूर कर सकते हैं, एक अच्छा गोल सेट कर सकते हैं। लेकिन कल में जी करके अपना आज को ख़राब कर लेना और इसी को सोच के फिर से दुखी होना, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। इससे क्या है कि हम कभी खुश नहीं रह सकते। सो अब थर्ड टिप्स है, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। जी हाँ, आज के इस फास्ट लाइफ में लिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड वर्क की वजह से हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते। कभी हम बॉस के लिए काम करते हैं, तो कभी हम फैमिली के लिए काम करते हैं, तो कभी हम दोस्तों के साथ रहते हैं। इससे क्या है कि अपने आप को हम टाइम ही नहीं दे पाते। जी हाँ, खुश रहने के लिए अपने आप के साथ भी थोड़ा समय गुजारना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा समय बिना किसी के बारे में सोचे शांत रहें, आपको खुशी मिलेगी। आप अपना फेवरेट खेल खेलें, आप अपना पसंदीदा खेल खेलें, थोड़ा समय बच्चों के साथ गुजारें, उनके साथ मस्ती करें, अपने आप को उन नेचुरल जगहों पे लेके जाएं। इससे क्या होगा, आपके स्ट्रेस दूर होगा और आप खुश रहेंगे। तो फोर्थ पॉइंट है हेल्प अदर्स। जी हाँ, दूसरों की मदद करके हमें मन की शांति मिलती है, दूसरों को खुश देख के हमें खुशी मिलती है, चाहे वो मदद फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, या किसी के आगे बढ़ने में हो, या कोई चाहे छोटी सी मदद क्यों ना हो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो उसकी खुशी देख के हमें खुशी मिलती है, और दूसरों के हैप्पी होने से ही हमें हैप्पीनेस मिलेगा। अब जो फिफ्थ टिप्स एंड ट्रिक्स है वो ये है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने आप को हर बार दूसरों से कंपेयर करते हैं, जैसे कि उसके पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, वो अच्छा दिखता मैं नहीं दिखता, उसके पास अच्छा घर है, मेरे पास घर नहीं है, उसके पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, तो उससे क्या होता है कि आप और ज़्यादा दुखी होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में कुछ अचीव करना, कुछ एम्बिशियस होना, वो बहुत अच्छी बात है, बट इसी की अपोजिट में जब हम अपने आप को हद से ज़्यादा कंपेयर करने लगते हैं तो क्या होता है कि आप अंदर ही अंदर क्या कि सैड होने लगते हैं, और ज़्यादा नर्वस होने लगते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से और ज़्यादा नेगेटिव थाट्स हमारे दिमाग में आने लगती हैं। इसलिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि शायद सामने वाले के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या मुसीबत चल रही है, आप उसी की उसकी अच्छाई दिख रही है। इसलिए स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। तो सिक्स पॉइंट है, चूज टू बी हैप्पी। जी हाँ फैमिली, सबसे पहले आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, आपको खुश रहना है। तो क्या होगा, कोई भी बंदा आपको क्या है कि डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, नर्वस नहीं कर सकता, आपको कभी दुखी नहीं कर सकता। जब ये काम अपने आपको बार बार कहते हैं, अपने आपको बार बार कहते हैं, तो क्या कि हम पॉजिटिव रिएक्ट करने लगते हैं, और खुश रहना हमारा हैबिट बन जाता है, और हैबिट धीरे धीरे हमारा आदत बन जाता है। इसलिए ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि स्टे अवे फ्रॉम द पर्सन दोज यू क्रिएट नेगेटिविटी अराउंड यू। वो पर्सन जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि शायद तुमसे नहीं होगा, तुम ऐसे हो, जो हमेशा तुम्हारे में ऐप निकालते हैं, उससे क्या होगा कि उससे भी क्या है ना कि आप अंदर ही अंदर ना थोड़े से खुद को ना गिल्टी फील करने लगते हैं कि शायद सच में मैं ऐसा हूँ। और जब कोई बंदा खुद को गिल्ट फील कर रहा है तो वो कभी खुश नहीं हो सकता। तो बस दोस्तों, आज की यही टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी लाइफ को हेल्पफुल बनाए, मददगार साबित हो सकती है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।